आगरा का ताज महल ममता ताजमहल है ना, आगरा का ताजमहल हाँ ममता ताजमहल वो प्रसिद्ध है, वो भी नहीं क्या उसका नाम है जिसकी यादगार में ताजमहल बनाया गया, मुमताज महल। मम माने मेरा, ताज माने जिम्मेवारियों का ताज जिसने धारण किया, उस जिम्मेवारी के ताज का किला, वो तो स्थूल किला है। वो मुमताज कलयुग में हुई और उसका बादशाह वो भी कलयुग में हुआ। उस बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां। कहां का शाह था? सारे जहां का शाह था। उसका तो नाम था शाहजहां, सिर्फ भारत का थोड़े हिस्से का था या सारी दुनिया का शाहजहां था? है भारत के थोड़े हिस्से का शाहजहां था, शाह था वो, झूठा शाहजहां था। यादगार किसकी है जो नाम पड़ा शाहजहां? है और संगम युग में ही शाहजहां होता है और संगम में ही उसकी जिम्मेवारियों का ताज धारण करने वाला किला बनता है जब वैष्णो देवी निकलती है। बाबा है शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए है, राजा ने काट दिए, ये राजा की बुद्धि में माया घुस गई उसने काट दिए। तो संगम युग में भी ऐसा ही होता है, बुद्धि में माया प्रवेश करती है तो जो अच्छे अच्छे सहयोगी होते हैं उनके बुद्धि रूपी हाथ काट दिए जाते हैं माया के द्वारा। क्यों नहीं बनता है? सजा प्रवेश करने वाली माया को मिलती है या सिद्धिदारी को मिलती है? माया मिलती नहीं है। सजा किसको मिलती है? माया को मिलेगी या सिद्धिदारी? जो पाप करते हैं उनको सजा मिलती है। और जो माया बुद्धि फरमाती है? है? उसको तो डायरेक्शन मिला हुआ है बाप का, उसका पाप नहीं बनता। नहीं बोला था कि ताजमहल की जगह पहले तेजो महल शिव का मंदिर था, फिर उसको तोड़ा गया और फिर ताजमहल बनाया। शाहजहां स्वयं तेजो महल होता है या नहीं होता है? है? तो बस हाँ चिरायु होती है। फिर चलो फिर याद कर लेना। हाँ इसीलिए मांगा कि मैं बड़ी हूँ, तुम एक फूल लेओगी तो मैं सारे फूलों का वृक्ष ही मंगा लूंगी। है तो बड़ी कौन हुई? है एक फूल वाली बड़ी हुई या पूरा वृक्ष मंगाने वाली बड़ी हुई? है मैं बड़ी हूँ ये साबित करने के लिए मंगाया। बाबा
अभी जो माउंट आबू में सेवा हुई एडवांस पार्टी की, एडवांस पार्टी ने डायमंड हॉल के सामने जो प्रदर्शनी की, मोर्चा निकाला है? जो प्रदर्शनी की सब अव्यक्त बाप दादा ने शाम के वाणी में एडवांस पार्टी आ चुकी है ऐसा पूरा मुख से बोला उन्होंने। प्रिंट में नहीं आया है? प्रिंट में नहीं आया। प्रिंट तो आप उसका वीडियो नहीं निकाला? नहीं, वैसे हमने लाइव देखा, अभी मांग तो की है, मिल गया तो दिखाऊंगा। मिल क्यों नहीं जाएगा? जो सच्चाई है वो की मिलेगी क्यों नहीं? सर अव्यक्तवाणी काटी नहीं जाती ऐसा बोलते हो। काटी नहीं जाती, वो डायरी ओरली होती है ना। नहीं नहीं, लोग सुनते हैं। अव्यक्तवाणी काटी जाती है लेकिन जो लाइव है वो नहीं काटा जा सकता। बाद में जो किया है वो नहीं आया होगा, उसी समय जिन्होंने निकाला उन्होंने निकाल लिया है। निकालेंगे तो आएगा, रिसर्च करने से क्या नहीं आता था। है मुरली में बोला है तुम बच्चे शंकर को नहीं काटो, तुम बच्चे शंकर को नहीं काटो नहीं तो शंकर तुम्हें काटेगा। हाँ, काट डालता है ना। जो शंकर के पार्ट को काटेंगे तो शंकर उनको नहीं काट डालेगा। ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती है। मंदिर बनते हैं? नहीं बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं? नहीं बनती है। तो काट दिया ना, सिर्फ उन्हीं की पूजा होगी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी से सूर्यवंशी बन जावेंगे, कन्वर्ट हो जावेंगे सूर्यवंश में, वो ही 84 जन्म लेंगे। बाकी जो भी आधार मूर्त हैं वो सब दूसरे दूसरे जन्मों में कन जन्म लेते हुए कन्वर्ट हो जावेंगे। अभी ये साल भी 76 ही चालू है, 76 शिव जयंती है, 76 शिव जयंती चालू है वर्ष 76 यस, शिव जयंती 76 जुबली 76 शिव जयंती मनाते हैं। नंबर है, नंबर 76 ईयर हुए ना। हाँ आप 76वां वर्ष तोड़े ही है, 76 नाम मात्र है, 76वां वर्ष नहीं है। और बाबा जो सतयुग में 8 नारायण माने जाते हैं वो तो बेसिक से हैं। तो वो सतयुग में माना भले कर्म कम जन्म क्यों ना लेते हो। हाँ। लेकिन वो नारायण की गिनती में तो आते हैं। पूजा होती है, पूजा भले मंदिर बनते हैं, सतयुग में तो नारायण मूर्तियां बनती हैं। नहीं फिर लेकिन नारायण तो मतलब पद तो पाते हैं ना, उनका कोई गायन है। लेकिन वो तो साकार में बाप को जानते ही नहीं तो सतयुग में आते ही कैसे है? आते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पुरुषार्थ किया है, बेसिक में सेवा की है, तो जो सेवा की है उसका उजूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन वो साकार बाप को तो जानते ही नहीं ना। आखिर पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? आखिर में पहचानेंगे। जब ब्रह्मा पहचानेगा तो वो भी पहचानेंगे। ये पृथ्वी बाबा कहते हैं ये पृथ्वी आकाश है, बाबा कहते हैं ये पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि
तो इसमें से ये शरीर को एक तत्व नहीं होया तो ये शरीर चल सकता है? नहीं, इसका भेद का अर्थ नहीं चल सकता। एक तत्व की भी कमी होगी तो शरीर नहीं चल सकता, पांचों ही तत्व चाहिए। में बात का 75वां वर्ष मनाया, 76 नाम पड़े, और वैसे मेरा भी जन्म 76 में हुआ है, तो मैं यज्ञ में आदि में सेवक राम यानी राम वाली आत्मा के साथ होंगे न हो सकता है? अनुमान ही तो है, मेरा जन्म 76 से, इसलिए मैंने बोला। अरे जिनका जन्म 76 में है उनका होना उधर पक्का हो गया, तो जिनका जन्म आगे पीछे है तो वो भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? फिर साथ की बात कर रहा हूँ, 76 इसलिए प्रूफ चाहिए। झूठे शिव बाबा भी हो सकते हैं? क्यों नहीं होते हैं? होते नहीं है क्या? सन 36 से पहले ढेर के ढेर भगवान थे क्या हिंदुस्तान में? है, जब सच्चा भगवान आया तो ढेर के ढेर भगवान भी पैदा हो गए। असली होता है तो डुप्लीकेट तैयार होता है। ब्रह्मा बाबा भी आने को 24 तक के क्रांतिम समूह का एक मुखर घोड़ा हो जाएगा बोले, है की बात है वो, है मुखरतन हो जाएगा उनका भी बोले। किनका? ब्रह्मा बाबा का। किसमें प्रवेश करते? गुलजार में? आने को में प्रवेश करके बोले अभी। हाँ, मुकर्रर कैसे हो जाए? कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो मुकर्रर थोड़ा ही कहा जाएगा। और महाभारत में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आत्मिक शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह जब पांडव सेना को भारी पड़ने लगे तो श्री कृष्ण ने आत्मसुदर्शन चक्र लिया, ऐसा दिखा दिया। हाँ, तो यह भेद में इसका क्या? सुदर्शन चक्र क्या करता है? असुरों का सिर काटता है, भीष्म पितामह का सिर काटा क्या? नहीं काटा नहीं, लेकिन हाथ में शस्त्र लिया ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो धमकाया नहीं जाता है क्या? एक तो धमकाया जाता है और एक प्रैक्टिकल में किया जाता है, तो अंतर है या नहीं है? वो तो रथ का पहिया लिया था। हाँ, सुदर्शन चक्र तो था ही नहीं उंगली वाला। हाँ, कृष्ण में राधा में कोई आंसर नहीं, तू कृष्ण बन जा मैं राधा बन जाता, वो भी में क्या? कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं, वो तो तब अंतर नहीं है जो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, तब अंतर नहीं है। बाकी तो अंतर है, कृष्ण काला और राधा गोरी, अंतर है कि नहीं है? बाबा मुरली में आता है विष्णु और शंकर को देह का अहंकार हो सकता है? अभी अभी संगम युग में क्यों पुरुषार्थी नहीं है, संपन्न है फिर? बाबा आठ मातिले और सो तेले के क्या राज है? मातेलू उन्हें कहा जाता है जो माँ से ही ओरिजिनल माँ से पैदा होते हैं,
सौतेले उनको कहा जाता है जो दूसरी माँ बनाई गई है उससे पैदा होते हैं। जब क्रॉस कर देंगे तो जुड़ेगा कहाँ से? नजदीक होंगे तो जुड़ जाएंगे, दिशाएं ही क्रॉस कर गई। सत्यनारायण का प्रसाद के लिए लाइन लगाइए। लाइन लगाते हैं तो ये क्या है, कब अभी जब बात तो सत्यनारायण की प्रसन्नता कब देखने को मिलेगी? जब संपन्न होंगे तब देखने को मिलेगी, तब कथा पूरी हो जाती है, तभी कहेंगे बाबा सत्यनारायण जब। तो आबू से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? बाबा सत्यनारायण जब 17-18 में प्रत्यक्ष हो जाएगी तो शिव बाबा का पार्ट उस समय कौन से शरीर द्वारा चलेगा? क्या शिव बाबा मुकर्रर रूप में पार्ट बजाता है या तन बदलता रहता है, सर्वव्यापी हो जाता है? शिव बाबा सर्वव्यापी तो होता ही नहीं है। लेकिन कहा गया है ना जब माना जब संपूर्ण हो जाएंगे तो शिव बाबा का माना पवित्र पाप शिव बाप माना इसमें नहीं रहते हैं, माना परम धाम चले जाएंगे सब कुछ कहते हैं, माना उनका ये नहीं दिखाते ना। जो पवित्र आत्माएं बनेंगी वो ऊपर जाएंगी या नीचे रहेंगी? ऊंची स्टेज में होंगी या नीची स्टेज में होंगी? ऊंची स्टेज में। और प्रजापिता को इस नीची स्टेज में नीची सृष्टि में कब तक रहना है, बीच में चला जाना है या अंत तक रहना है? बात खत्म। बात तो एक ही हो गई, पढ़ना तो वहाँ तो पढ़ाई लौकिक परिवार से पढ़ के नहीं है। जो पढ़ाई पढ़ेंगे उसको पालन भी करना पड़ता है, जो पूछेंगे उसको भी पालन करना पड़े। मुरलियां एक बार नहीं छापी गई हैं, वो भी मुरलियां बार बार छापी गई हैं, तो छपने छपने में अंतर हो सकता है। दोनों रात बातें रात राइट है। लौकिक संबंधियों से पूछते रहेंगे तो वो उल्टा रास्ता बताएंगे या सीधा रास्ता बताएंगे? उल्टा ही बताएंगे। लौकिक संबंधियों से पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे या सीधी पढ़ाई पढ़ाएंगे? उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे। बाबा कोई माता पिता कोई लौकिक में अकेला बच्चा है, वो माता पिता आ गया नहीं ध्यान में नहीं चलते, लेकिन वो शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, वैसे समय में उस कुमार को क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? भागना चाहिए, सही बात है बाबा है? वो जो माता पिता है बाद में जो उनके साथ जो भी होगा है? वो कहते हैं हम खुदकुशी करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे क्या होता है? एक दिन सबको मरना है,
ऐसे किसके माता पिता होते हैं जो मरते नहीं है बाबा? हाँ जो युगल ऐसा ज्ञान में चलते हैं उनका बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, ज्ञान में नहीं चलता है। हाँ। और वो बच्चा शादी के लिए जबरदस्ती करता है, झगड़ा करता है। हाँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? घर से निकाल देना चाहिए, फॉलो फादर। उसके वो जो प्रॉपर्टी है जो घर में रहते हैं, वो प्रॉपर्टी वो बच्चे के नाम पर है। हाँ, बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी है तो जब तक जिंदा है तब तक तो उसके नाम चोरी जाएगी। जब तक माँ बाप जिंदा, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनके उनके दादा और बच्चे के नाम पर करके गए। दादे की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलेगी, नाम पे ही कर गए। दादे की प्रॉपर्टी जो है वो सबको मिलती है, माँ बाप को भी मिलती है, चाहे तो कोर्ट से लड़ करके ले लें अपना हिस्सा। अच्छा। हाँ नहीं, फिर उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? ग्रैंडफादर ने अपने माना बच्चे के नाम की नहीं की है, वो क्या बोलती उसके नाम पे कर दिया, उसके नाम पर होते के नाम का। ये नियम है कि दादे की प्रॉपर्टी का हिस्सा माँ बाप को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। जीती जी कर दिया बाबा नाम पे, कर दो अभी, कर दिए। लड़ाई लड़के ले लो, वो लड़ाई लड़के कोर्ट से ले लो। दादी की प्रॉपर्टी को कोई नकार नहीं सकता है। बाप दादे का मतलब है पुस्तैनी। हाँ, वो पुस्तैनी पे क्यों कोई का हक नहीं रखता, बाहर का हक नहीं रह सकता। हाँ जी, और हर मंगलाष्टक के आखिर में सावधान भागने के लिए कैसे कहते हैं? भागने के लिए कैसे? भागने के लिए नहीं कहते हैं। जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों को याद करने के लिए कहते हैं कि जो भी अष्टक में बातें आई हैं उनको पालन करो, नहीं पालन करेंगे तो गोचा खाएंगे। और बाबा इतना बाप दादा को याद करते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, इतनी माया चपाट लगाती है, उल्टे कर्म करेंगे तभी तो। ऐसे थोड़े ही कि श्रीमत पे चलेंगे और माया चपात मारेगी। माया को तो डायरेक्शन मिला हुआ है, क्या जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उनको चपात लगाओ। हाँ, यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसी याद करो। शिव बाबा को याद करो। शिव का अर्थ क्या है? बिंदी। और बाबा का अर्थ क्या है? तो दोनों को मिला करके याद करो, यथार्थ हो गया। उल्टी में देखना या आँख में देखने का? नहीं, पीठ में देखो। बाबा हाँ, माया माना अपनी कमजोरी होती है या कोई शोर होता है? और क्या, माया अपनी कमजोरी को ही माया कहते हैं। माँ माने नहीं, आया माने आया। और 63 जनों में वो कमजोरी नहीं आई होती तो अच्छा था, लेकिन आ गई, हमने स्वयं ही ग्रहण कर ली। माया साक्षात्कार भी कराती है? हाँ जी, भूत प्रेत भी साक्षात्कार कराते हैं। बाबा राम और रावण का युद्ध हुआ, तो राम जब मार रहे थे रावण को तो पुनः पुनः जीवित हो रहा था, और जब नाभि पर वार किया तो पूरा खत्म। इसीलिए तो बाप दादा ने कहा है कि विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला इकट्ठा आवाहन नहीं किया जा सकता,
शहद की मक्खियों का इकट्ठा आह्वान किया जाता है कि रानी मक्खी को बस में किया जाता है। तो रानी मक्खी अगर बस में आ गई तो विजयमाला पूरी का आवाहन हो जाएगा। वो नाभि है जिस नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि कमल से क्या निकला? ब्रह्मा निकला। ये दास कबीर और कई कबीर का है, एक दो कबीर है, एक दास कबीर और एक कई कबीर। जब तमो प्रधान बनता है तो दास कबीर हो जाता है, ये क्या नई बात है? कई कबीर है, कई कबीर भी है ना, दास दो कबीर है ना, दास कबीर जो बोलने वाला है वो सतो प्रधान कबीर ने बोला या कबीर की आत्मा तमो प्रधान बनेगी तब बोला है? जब सतो प्रधान थी तब बोला। रविवार का संगठन चल रहा था और दृष्टि देने की कैसेट आई, तो उसमें मुझे जब राम वाली आत्मा बोल रही तो उसमें शिवलिंग दिखाई दिया है और उस शिवलिंग के बीच में जो हिंदी है शिव, तो ऐसा तो ये बेहद प्यारी, ऐसा क्यों होता है? शिवलिंग दिखाई दिया पूरा चेहरे पे है, तो ऐसा का मतलब क्या? लिंग का मतलब है निराकारी स्टेज। लिंग का मतलब हुआ जो साकार पुरुषार्थी है उसकी निराकारी स्टेज, साकार स्वरूप लिंग, और उसमें जो बिंदु है वो शिव प्रवेश है, इसलिए शिव बाबा हुआ, असली रूप हुआ। ओम शांति।